हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आई थिंक सब अच्छे होंगे, सब जहाँ होंगे सब मस्त वाले चंगे होंगे एंड फिट एंड फाइन होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग में ये है कि आज जो है वो दीदी वो अपने जा रही है ससुराल, मतलब मायके से। तो उन्हीं के लिए देखिए मैं भी आज आगे भी होता है क्या, वैसे वो जा रही है लेकिन अभी वो थोड़ी सैड भी है। और एक्चुअली मैं जब बेटी घर से जाती है तो थोड़ा घर भी सुना हो जाता है, सब सैड भी हो जाते हैं। तो वैसे तो आज उनको नींद भी नहीं आया था रात भर, क्योंकि मुझे जाना है जाना। और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग उनको। जा रही दीदी सैड होकर के पड़ी हुई है आज। क्यों दीदी, क्यों, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। क्या हुआ दीदी, आज ऐसे लेट हुई क्यों सैड? जा रही जेल में। ये मायके को ससुराल को नहीं, ये जेल करती है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो फ्री लाइफ में थोड़े जी वही ना। यहाँ पे तो दीदी जब देखो तब बाहर छत पे दुकान भी चली जाती है, वहाँ तो जा रही घर में। ये मालती पांडे अभी सोए हुए हैं, वो नहीं बोलेगा अभी। गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं 5:30 o'clock हाँ दीदी, अभी बज रहे हैं शायद 5:30 या 6 बजने वाले हैं, 6 बज रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ, दीदी को भगाना है ना, भौजाई तो हूँ मैं। तो वैसे भी सब सोचती है कि कितनी जल्दी ननद भागे करते तो उन्हीं की भगाने के लिए मैं तैयारी में जुट चुकी हूँ। उन्हीं को भगाने के लिए मैं जुट चुकी हूँ, उनके लिए क्या क्या बना रही हूँ अभी। नहीं देखिए ऐसा बात नहीं है, भगाने वाली बात नहीं है। अब जा रही है भाई, जाना तो है ना, आप कितने दिन यहाँ रहेंगे है ना दीदी। अब मेरे मन तो है कि कुछ दिन और रह जाइए, लेकिन मेरे बोले से थोड़ी ना होगा दीदी के, वहाँ भी है फैमिली है ना दीदी। गुड मॉर्निंग बोली सबको बेटा, गुड मॉर्निंग बोली ये, अभी नहीं बोलेंगे अभी नींद में है। हाँ दीदी, दीदी के लिए ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ भी बनाने हैं, तो आज दीदी भी थोड़ा मेरा हाथ बटाने वाली है ना दीदी। हाँ, अब मैं क्या क्या बना रही हूँ वो तो बना लेने के बाद ही। वैसे ही कल तो हम लोग कल बनाए थे, कल भी दोपहर में कुछ कुछ चीज़ बनाए थे हम। तो बने रही फ्रेंड मेरे साथ ब्लॉक में, और देखिए आगे दीदी को भगाने क्या क्या प्लानिंग कर रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम में किचन जो है वो कैसा फैल जाता है पूरा, खाना बनाने के टाइम पे सारा बर्तन भी सारा जो बना रहे वो सब यहाँ पे, ये देखिए सब चारा सब जो है सब फैल जाता है सब एकदम से। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं जो इडली स्टैंड जो मंगाई थी ना, जो मैं काम में नहीं लाई थी, तो आज वो मेरे काम में आ गया। मैं आप लोग को बोली भी थी कि दीदी जो है आएंगी तो मैं इडली बनाऊंगी। तो अभी मैं ये फर्स्ट टाइम जो है इडली स्टैंड यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको ऑनलाइन मंगाई थी मैसो ऐप से, कुछ यही पड़ा था मुझे, आई थिंक 600 कुछ पड़ा था। नहीं सॉरी, 596 यानी कि मुझे 600 के करीब ये पड़ा था। और देख सकते हैं यहाँ पे स्टील का भी है और अच्छा सा भी है, बड़ा साइज भी है, बड़ा बर्तन भी है, घर में उतर जाएंगे काफ़ी। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 प्लेट वाली है। तो फ्रेंड मैं ये बनाने जा रही हूँ आज इडली दीदी के लिए। तो मैं उनके लिए चटनी भी रेडी कर चुकी हूँ, बादाम का है और चना दाल ये सब मिला करके। आलू भरा हुआ पूरी भी उनके लिए ले जाना है, तो यहाँ पर मैं आलू का चोखा जो होता है स्टफी वो भी बना ली हूँ। और ये रही कटहल की सब्ज़ी, और जा रही हूँ अब मैं ये आटा सानने दीदी के लिए बनाने के लिए। और यहाँ पे ये ग्रीन वाला चना है, दीदी बोल रही थी इसका भी बना दो कुछ, लेकिन मैं बोली दीदी आप बहुत कुछ हो जाएगा, आप ये वहाँ जाकर बना लीजिएगा। एक्चुअली मैं इसका ये पकौड़ा बनाने के लिए बोल रही थी। मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कोई कहीं आता जाता तो है, दीदी जो है ना वो सारे सारे लोग बोलते कि दीदी कितनी सारी चीज़ें क्यों बना के दे रही हो। तो एक्चुअली मैं दीदी जो है यहाँ से 12 बजे निकलती है, उनका यहाँ से गाँव जाते जाते मैं उनका थक जाती है अमन, तो कहती है कि तुम कुछ बना के दे देती हो, तो वो रात में शायद फिर नहीं बनाती हैं। तो इसीलिए मैं उनको सारी चीज़ दे भी देती हूँ और अच्छा भी लगता है, वो जाती हैं तो उनको सारी चीज़ बना के देती हूँ। तो आधा हो चुका है बस, अब आधा बाकी है, अभी ये उठे नहीं है, उठेंगे तब हम चाय पियेंगे, अब उसके बाद मैं आटा सानूंगी। इससे पहले मैं जब तक इधर का कुछ कुछ समेट लेती हूँ, झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह में हो ही चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ रिपू को निकालने, अभी तो मैं उनको उठा के आई, अब रिपू को उठाने जा रही हूँ। रिपू गुड मॉर्निंग, ये देखिए मेरी रिपू, जब ये फ़ोन देखेंगे ना तब नहीं बोलते, वैसे तो पूरे दिन चिल्लाते रहेंगे। मेरा रिपू बोलता भी है रिपू कटोरे कटोरे, और ये घर में और किसी का नाम नहीं, बस नेहा का नाम लेता है ये, है ना रिपू। और मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड, ये देखिए मेरे घर से आलू आए, पूरा ब्लैक दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये देखिए
खेत में से पूरे रूम में आलू फैले हुए इस रूम में, ये रूम हमारा स्टोर रूम ही है ही। ये देखिए दीदी अपना आधा सामान यहाँ पे पैक करके रख चुकी है झोला वोला में टांग के, कुछ वहाँ टांगी हुई है कपड़े, और ये रहे मेरे लाली जो उठ के आगे आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग लाली, आइए तो फिर चाय चढ़ाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड मैं अपना फर्स्ट टाइम जो होता है वो इडली स्टैंड में मैं ये इडली बनाती हूँ, तो ये निकाल करके फिर मैं देखती हूँ अच्छा बना है या नहीं, लेकिन आई थिंक बन जाता है अच्छा। यहाँ पे ये दूसरी बार निकालती हूँ, और यहाँ पे साथ साथ मैं आलू भरवा कचौड़ी यानी कि आलू भरवा पूड़ी की भी मैं दीदी का तैयारी कर रही होती हूँ। एक साइड पूड़ी बनाती हूँ और एक साइड इडली बार बार चढ़ाती हूँ, क्योंकि उसको चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है ना, 15-20 मिनट बाद होता है वो। देख सकते हैं अब यहाँ पे दो बार प्लेन निकाल देती हूँ, फिर दो बार मसाला वाला, और यहाँ पे दीदी का सामान मम्मी जो है वो पूरा पैक कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप आलू, पूरा आलू पैक हो गया है, और यहाँ पे दीदी भी अपना सारा बोरिया बिस्तर पैक कर लिए हैं, और साथ में दीदी भी मारुति पांडे का यहाँ पे फुल टू मस्ती चल रहा है। फोन करके तो बताऊंगी, फोन करके आपको कहाँ जा रहा बेटा? नहाएंगे नहीं, मम्मा लगता है आज ही घर में, तो जाएंगे तो फोन करेंगे ना। फोटो नहीं ले रही, वीडियो बना रही, दीदी जा रही है। दीदी जा रही है, मम्मी ससुराल गए। दीदी रो रही है, क्यों रो रही है दीदी? कोई बात नहीं, फिर आना लगा रहेगा है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड दीदी चली जाती हैं, तो उसके बाद मम्मी देखिए थोड़ा सैड होकर के लेटी हुई रहती हैं। फिर उसके बाद पूरा घर भी देख सकते हैं आप, दीदी का रूम थोड़ी देर पहले कितना पैक था, आदमी था सब, यहाँ पे पूरा खाली हो गया सारा रूम भी, बेड भी लगा दी मैं। अब क्या करूँ, दीदी चली गई पूरा घर खाली करके। एक्चुअली उनका छोटा बाबू है ना, वो पूरे घर में ना तहलका मचा के रखा रहता है, नेहा नेहा नानी नानी मामू मामू। उसके बाद देख सकते हैं अब शाम का टाइम हो चुका है, इवनिंग हो चुका है। मैं कपड़े वपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि दीदी जाती हैं तो उस वक्त मैं कपड़े नहीं धोई थी, क्योंकि दीदी जाने लगती हैं तो फिर मुझे काम में भी लेट हो जाता है। फिर यहाँ पे शाम को देख सकते हैं आप, सब्जी आई है, हरे हरे ताज़ी ताज़ी सब्जी, बैंगन है, लौकी है, तोरी है, करेले हैं। अब मुझे ये सब्जी भी सब समेटने हैं, साथ साथ में रात के खाने भी बनाने हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं ये सब्जी जो है वो सब समेट लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है, फिर रात के डिनर में क्या बनता है। यहाँ पे बनाई हूँ मैं रात के डिनर में चुकंदर की सब्जी, और साथ में परवल की चटनी, और तोरी की सब्जी, और दूध गर्म। अब मेरे घर सब लोग हरे हरे खाने वाले हैं सब्जी, क्योंकि अब आ गया है गर्मी का मौसम। अब मेरे घर तेल मसाला बहुत कम बनेगा फ्रेंड, क्योंकि पापा तेल मसाला नहीं पसंद करते हैं। रात का डिनर हो चुका है, अब मैं सबका वेट कर रही हूँ सारा चीज़ सेटअप करके, क्योंकि सब लोग अभी मेरे यहाँ सब लोग द्वार पे हैं, घोड़े जो है मेरे पास उसके पास घोड़े के पास है, कोई अभी है नहीं। अभी मैं सब कुछ बना करके आधा बर्तन धो करके मैं रेडी करके रखी हूँ, अभी सब लोग द्वार पे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत इधर गिर रहा है, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी गिर रहा है। तो हमारे पास घोड़ा भी है और गाय भी है, गाय का बच्चा भी होता है, बस जो पेट एनिमल जो है सो भी, तो उनके पास अभी मिस्त्री आए हुए रात में पंखा लगाने के लिए, तो इसीलिए अभी मम्मी पापा और ये तीनों को ही अभी द्वार पे हैं। तो फाइनली दीदी चली गई सारा घर सोना उना करके, और मेरे घर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के दिन में ना फ्रेंड सिंपल ही चीज़ें बनती है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरे घर में पापा और ये और मम्मी तीनों कोई पेट के पेशेंट है, मतलब डाइजेस्ट नहीं अच्छा से हो पाता है, तो अब तो गर्मी में ज़्यादा मेरे घर हरा सब्जी ही बनेगा। और वैसे भी अब मैं सब्जी रेडी करके अभी लोग का वेट कर रही हूँ, अगर अभी लोग आए तो मैं फटाफट रोटी बनाऊँ, सबको खिलाऊँ पिलाऊँ। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर फ्रेंड यहाँ पे मॉर्निंग हो चुका होता है, मॉर्निंग को मैं मेरा सारा मॉर्निंग को मैं नहा करके झाड़ू पोछा कर करके मैं अपने लड्डू गोपाल यानी कान्हा जी को नहाने का रेडी करती हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटे से बर्तन जो है ये कटोरी जो है उसमें मैं उनको नहलाती हूँ पहले सारा कपड़ा पर खोल के, और आज है ट्यूसडे तो मैं उनको ये रेड कलर का पहनाऊँगी, और ये है उनका रुमाल, मैं उनमें हैंकी मतलब उनको लेकर के पोछती हूँ, और फिर उसको मैं इनको का सारे कपड़े खोल करके फिर उसके बाद नहलाती हूँ मैं। पहले तो इनको अच्छे से पहले कपड़े खोलूँगी पोछूँगी, फिर यहाँ पे मैं ये चंदन है मैं चंदन लगा करके इनको नहलाती हूँ,
और उसके बाद अच्छे से फेस पे हाथ पे अच्छे से पूरे मलमल के नहलाती हूँ, जैसे बच्चे को साबुन लगा करके नहलाते हैं वैसे ही पूरे अच्छे से मलमल के एकदम रगड़ रगड़ के नहलाते हैं। एक्चुअली मैं 2 दिन से इनको नहला ही नहीं थी क्योंकि मैं उधर कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, दीदी को जाना था तो उनके लिए सब चीज़ बनाने सुनाने में मैं लगी हुई थी। अब यहाँ पर मैं इनको अच्छी तरह से पहले नहला लेती हूँ, आप देख सकते हैं पूरे फेस पे चंदन लगा लगा के, फिर यहाँ पे मैं इनको नहा धोकर करके कर देती हूँ रेडी। आप देख सकते हैं मेरे छोटे से लड्डू से गोपाल जी से मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कितने सुंदर लगते हैं मेरे कान्हा जी। ये रहा रोड रेड कलर का छोटा सा ड्रेस पहनाई हूँ और आज ट्यूसडे है, ये रहा इनका आसनी। और यहाँ पे ये देखिए नहा धो करके अपनी जगह पे मैं इनको बैठा दी हूँ और साथ में भोग भी लगा देती हूँ। फाइनली मेरा यहाँ पे पूजा हो चुका होता है, धूप बत्ती वत्ती मैं दिखा देती हूँ मॉर्निंग के टाइम में, मेरा मॉर्निंग का रूटीन यही है। और पूजा करते करते मम्मी मेरी दूध ले आती है, फिर मैं दूध का चाय बनाती हूँ ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश, फिर चाय बनाती हूँ। ये रही सस्पेंड और मैं चाय बनाने के लिए जाती हूँ। अभी तो मम्मी पापा लोग तो द्वार पे हैं क्योंकि मेरे घर तो जो दूध जो है वो सब पीते हैं ताज़े ताज़े फ्रेश फ्रेश, तो ये देख सकते हैं आप कितने ताज़ी फ्रेश फ्रेश दूध है ना, फेन सहित है। ताज़े दूध की चाय की कोई बात ही अलग होती है। तो आ जाइए फ्रेंड आप लोग भी मॉर्निंग का चाय पीने के लिए, आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे मेरा चाय जो है वो रेडी हो चुका है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आई थिंक सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे, सब भले चंगे होंगे, जहाँ होंगे सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आप लोग ने मेरे मॉर्निंग में देखा, मैं उठी, मैं झाड़ू पोछा की, नहाई, पूजा की, अब हमारा हो गया है चाय और अब मैं जा रही हूँ सबके लिए नाश्ता बनाने। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में और देखते रहिए आगे क्या। दीदी तो आज चली गई सुबह में, जब मैं चाय बना रही थी तो मुझे याद आया कि दीदी को भी दे आओ, बट क्या करूँ दीदी आती है एक दिन कह के रहती है, 1-2 महीना तो आदत सी लग जाती है हमें, और साथ में उनका छोटा बाबू है तो थोड़ा और हम लोग को ज़्यादा वो लगता है ज़्यादा पास में। तो अभी हम लोग का हो चुका है चाय और अभी मॉर्निंग के शायद बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे शायद, हाँ, क्योंकि मेरे को तो खिड़की से ही मौसम से पता चला जाता है। देख सकते हैं आप अभी हमारी खिड़की में कितनी सुबह हुई है। फिलहाल अभी मैं बस चाय बनाई हूँ और अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने, देखती हूँ क्या क्या मैं बनाती हूँ। तो बने रहिए साथ में इस ब्लॉग में फ्रेंड। देखिए फ्रेंड अच्छी सी जो है वो थोड़ी सी धूप निकल चुकी है और मैं ये जो मैं कल शाम को जो मैं कपड़े धोई थी तो मम्मी अभी ये छत पे गई हैं सुबह वाले कपड़े डालने तो लेकर के आई हैं। और यहाँ पे ये मेरा रिपू जो है अब वो चिल्लाने लगे हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, क्योंकि अब हो चुके हैं सुबह। तो ये देखिए मेरे रिपू महाराज निकल गए। गुड मॉर्निंग रिपू, गुड मॉर्निंग रिपू। और यहाँ पे मेरे फ़िलहाल जो है अभी अभी मेरे 2 नाश्ते में रेडी हुए हैं कुछ, और अभी एक लास्ट जो है वो चढ़ा रखी हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी सब्जी का कटिंग अभी यहीं पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप सुबह में ना किचन कितना रायता फैल जाता है। तो यहाँ पे फाइनली फ्रेंड मेरा नाश्ता जो है वो बन चुका होता है, रेडी हो चुका है, साथ में रोटी कढ़ी और ये रही बैगन आलू की सब्जी, ये रहा मेरा दूसरे टाइम का चाय। तो अब हो चुके हैं गर्मी, ठंड का मौसम चला गया है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे का सारा काम हम खत्म कर ली, सबका नाश्ता वास्ता हो गया, बर्तन वर्तन हो गया, तो अब मैं जा रही हूँ सारा रजाई में को पलंग में रजाई को डालने। आप देख सकते हैं पलंग अभी खोली हो, सारा साफ की हो। तो अच्छा मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड, ओके बाय, हैव अ गुड डे। कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जो नए लोग हैं वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड बाय।